खुद उद्धव ठाकरे चाहते थे कि एकनाथ शिंदे सीएम बने, फिर बुरा लगने की क्या वजह? बीजेपी नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया था कि हिंदुत्व के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को साथ आना चाहिए। शिंदे गुट ने प्रतिक्रिया दी है, हिंदुत्व के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को एक हो जाना चाहिए। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया था कि अगर मुझे आदेश मिलता है तो मैं दोनों को साथ लाने की पहल करूंगा। उनके इस बयान से एक बार फिर शिवसेना की दो गुटों के पास आने की चर्चा शुरू हो गई और साथ ही शिवसेना और बीजेपी में एक बार फिर गठबंधन होने की संभावनाओं के कयास लगने शुरू हो गए। शिंदे की ओर से शिवसेना नेता स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम शिंदे के समर्थक शिवसेना प्रवक्ता दीपक केसरकर ने इस मुद्दे पर कहा कि वो ऐसा करके देख लें, बड़े लोगों के बीच में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। मोदी के कहने पर भी ठाकरे साथ नहीं आए, उनको दिए अपने वादे से मुकर गए, मैं खुद इसका गवाह हूँ। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र को सुशासन दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी यही चाहते थे कि शिंदे मुख्यमंत्री बने, शरद पवार के कहने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़ा, फिर अब क्या दिक्कत है? आज उनके मन के मुताबिक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, उनके पास उसके बारे में बुरा महसूस करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने फिर दिया TV9 को इसका एक्सक्लूसिव जवाब। इस मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने हमारे सहयोगी न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में जिस लचीलेपन की जरूरत होती है वो उद्धव ठाकरे में है, ऐसा मुझे लगता नहीं। राजनीति में दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं किए जाते, हमें कोई लाचारी नहीं है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आए। हिंदुत्व के लिए हमने मांग की थी कि वे साथ आए तो अच्छा हो। वे हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस पर दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगे हैं, हमारे नेता बड़े दिल से उन्हें माफ कर देंगे। पीएम मोदी भी बड़े दिल से माफ करेंगे अगर उद्धव अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे। चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि शरद पवार ने कई राजनेताओं का करियर ध्वस्त किया है। माफी की बात को लेकर दीपक केसरकर ने भी दोहराया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ की गई अपनी वादा खिलाफी के लिए माफी मांग लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े दिल से उन्हें माफ कर देंगे।